आज हम लोग आ गए हैं खजूर बाजार और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है और अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं चीज की दुकान पे जहाँ पे खुली चीज मिल रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ओके, तो मैं इनके नेम्स भी आपको बताऊंगी कि इस स्टोर पे क्या है। तो ये तो हो गए, ये है लड्डू, शायद ये देखो यहाँ पे भी ना केक में डालने का सामान है। ये देखो ये चोको चिप्स है, यहाँ पे ना येलो वाले, ब्राउन वाले, वाइट, पिंक और यहाँ पे भी है। ये देखो गाइस ये भी जो है बहुत सारे हैं और ये वाली खट्टी इमली है मेरी फेवरेट। और यहाँ पे बहुत सारी फ्लेवर्स में है, एक इक्लियर्स और ये देखो ये है, ये अलग अलग टाइप की वो है, शेप्स है, डिजाइन है। हेलो, और कुछ अंकल साहब हम पूछते हैं कि क्या क्या है अंकल के पास। ये देखो ये हम लोग को मिल गई खट्टी खट्टी इमली। ये देखो ये कौन सी स्ट्रॉबेरी है ना, ये है चेरी फ्लेवर की। अभी बताओ, और ये एप्पल, ग्रीन एप्पल, ओए और रेड वाली कौन सी, ये भी गाइस। ओ हाँ, ये देखो ये पीच कलर, पीच फ्लेवर की है। और ये देखो ये भी इमली है, ये पीच फ्लेवर की है। ये है, ये तो यही है, ये पान मसाला है, पान ये मैंने खाया हुआ है। ओ ये कितनी बड़ी बड़ी इमली गाइस, ये भी इतनी बड़ी बड़ी इमली। लाला से प्राइस पूछो इसकी, ये क्या है अंकल, इसकी प्राइस क्या है लाला भाई, लाला भाई का। तो गाइस ये भी इतनी बड़ी वाली इमली है, इस पे पीसेस है। ये देखो 1 2 काउंट करो, काउंट करो। ये देखो इतनी सारी जेली, मीठे चने, ये भी। तो गाइस ये रहते सारे शहतूत और यहाँ पे भी कुछ पड़े हुए, ये खोपरे हैं अलग अलग फ्लेवर के खोपरे। और ये क्या है अंकल, ये समोसा लड्डू है उसका, तिल के समोसे हैं, तिल के लड्डू है। तो ये तिल के समोसे, ये देखो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये तिल के लड्डू, तो ये तिल के समोसे, वो लड्डू है तो ये समोसे बताशे हैं। ये वाइट वाइट बहुत है, चाय में डाल के पीते हैं ना, ये आप लोग चाय में डाल के पीते हो ना, ये भी मीठा होता है, ये मीठा ही होता है, ये भी गाइस मीठा होता है, ये ऐसे ही खाया जाता है। और ये देखो गाइस ये भी ईरानी गुबन है, शेख चीगम दिखा। गाइस ये है चीज के बर्नी से क्या क्या मिल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और गाइस देखो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है, लड्डू भी है और खोपरे भी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, खोपरे के लड्डू है। और जैसे कि मैंने बताया था ये सोहन अल्लाह, तो गाइस ये देखो यहाँ पे भी छोटी छोटी सी कैंडीज है, चॉकलेट्स है और मुझे यार ये चॉकलेट खानी है, उठाओ जो आपका मर्जी हो। तो गाइस मुझे अंकल ने दी यारी चॉकलेट। तो गाइस ये थी हमारी चीज की दुकान, हमारी नहीं मतलब चीज की दुकान है। तो कैसी लगी वीडियो कॉल, नहीं मैंने अंकल आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, क्या आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं इस दुकान में? इस दुकान में अभी थोड़ा सा हो गया, वरना इधर खजूर बाजार में तकरीबन 30-35 साल हुआ, 30-35 साल। हाँ एक मिनट एक मिनट, देखो ये लच्छे भी है, आपने 200 रुपए दिए ना,
पाव में आधे किलो में 10 कम होते हैं। छोटी सी जगह भी जब अंकल सामान भी रखे और यहाँ पे बहुत सारी गोबिट्स भी है, लड्डू खोपड़े और लच्छी भी लगी हुई। तो गाइस ये है चीज की दुकान। गोबन की कितनी किस्म है यहाँ आपके पास मुझे बता। तो गाइस ये देखो यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े गोबन है, देखो इतने बड़े बड़े अलग अलग शेप के बेचारे। और गाइस ये पत्थर वाले नहीं, ये भी नरम वाले हैं। इसे चबाते चबा नहीं सकते। अच्छा ये देखो गाइस छोटे छोटे गोबन ये है, कितने का है ये? पाव के साथ में आते हैं। और ये भी पाव कितने का? यहाँ पे भी बहुत सारी चीज है, यहाँ पे भी चने हैं और यहाँ पे भी छोटे छोटे गोबन है। इनकी एक सौ पे 50 रुपीज की है। और ये इमली के पैकेट्स हैं, मसाले के पैकेट्स हैं और ये काली इमली है। तो और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, नीमको नीमको है, पापड़ पड़े हुए हैं, पीछे चीज पड़ी हुई है। और गाइस ये थी छोटी सी शॉप अलग अलग चीजों की। तो गाइस अब पी लेते हैं गंडेरी का जूस। सब लोगों ने तीन लिया, उठाओ अपना।